Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. हेलो गाइस, तो आज ये लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सो मैट्राइसिस चैप्टर चल रहा है, ये हमारी लेक्चर सीरीज 4 क्लास 12। सो इसमें जो टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल मैट्राइसिस। अभी पहले क्या है ये समझते हैं। ओके, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर so such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse of matrix A. Okay, ये क्या कहता है? Invertible matrix मतलब अगर आपके पास मान लो कि मेरे पास एक square matrix है A, ठीक है, और एक मेरे पास एक और एक another square matrix है B of same order, इन दोनों के orders यहाँ पे same है, तो अगर AB is equal to BA हो रहा है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा है, इज इक्वल टू आई मिल रहा है मुझे, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का इनवर्स होगा, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी इनवर्स और वी कैन से ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, सो ये एक बेसिक चीज है, ये आपने यहाँ पे देख ली। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम छोटा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व करेंगे कि एग्जाम्पल सोल्व कैसे होते हैं। और एक चीज, जब आप ए बी रेस टू इनवर्स देख रहे हो, जब ए बी का इनवर्स होता है तो इसका मतलब होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, सो और एक चीज, जब आई को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलता है, जैसे कि ए, मैं अगर यहां आई लिख दूं तो इसका मतलब ए ही होता है। अब यहां पे मैं ए इनवर्स के साथ आई को मल्टीप्लाई करूं तो इंडर अल्टीमेटली इसका मतलब ए इनवर्स ही होता है। ठीक है, तो आई का यहां पर इतना कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये याद रखना है। सुनो, अब एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हम यहां पर पढ़ते हैं कि वो दोनों चीजें क्या है। सो नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, अब ये किस तरह से इसमें हम फाइंड करते हैं। देखो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो यहां पे कोई भी मैट्रिक्स रो और कॉलम से बनता है, तो यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यहां पे दो अलग अलग चीजें बनेगी, तो मैं दोनों के लिए अलग या सेपरेट पार्ट बना रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, यानी कि ई आर ओ की, यहां पर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, हमने यहां पे एक प्रोडक्ट फॉर्म लिखा है, अब हमें यहां पे रो ऑपरेशन करना है, याद रखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहां पे कर रहे हैं। तो देखो हम यहां पे कहां कहां अप्लाई करेंगे, हम यहां पे जो ऑपरेशन है वो कहां कहां अप्लाई करेंगे, तो एक एक्स पे अप्लाई होता है और एक ए पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा उसके रिगार्डिंग, उसके कोरस्पॉन्डिंग में इसमें भी कुछ चेंज करूंगा, दोनों में जो चेंज करूंगा वो चेंज ऑलमोस्ट सेम होगा। देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, इसमें मैंने कुछ चेंज किया तो उसके रिगार्डिंग मुझे इक्वल टू के उस तरफ भी मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर करके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। बस एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ए इज इक्वल टू आई ए, बस आपको ये याद रखना है। देखो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, यहां पे ये आपको याद रखनी है। अब ए मतलब जो मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा वो मैट्रिक्स, और यहां पे जो आई है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए यू नो दैट वही मैट्रिक्स हम यहां पे, इसी मैट्रिक्स का हम यहां पे इनवर्स फाइंड करने के लिए यहां पे ए रखेंगे। आपको पता है कि ए इज इक्वल टू आई ए होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं मुझे वही मिलता है। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं ए को मैं एकदम आई बना दूंगा। देखो मैंने क्या बोला, मैं ए को इस तरह से फॉर्म करूंगा, उस तरह से ए में चेंज लाऊंगा कि वो कंप्लीटली आई दिखे। जैसे कि अगर आपका ए है 2316 तो उसको मैं कन्वर्ट करके मैं बना दूंगा 1100, मतलब मैंने आई बना दिया। मैंने जैसे ही यहां कुछ चेंज किया है वैसे मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी कुछ बदल जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स है वो बदल के बन जाएगा बी। देखो ये क्या है, ये है क्या, ये आई है। अब यहां मैंने कुछ चेंज किया उसके रिगार्डिंग मुझे यहां भी चेंज लेना पड़ेगा, तो आई में से बन जाएगा बी।
ठीक है, यहाँ पे ए तो अवेलेबल है ही। अब आप देखो, अब यहां पे आई है ए, अगर इस तरफ आता है तो वो जाता है ए इनवर्स, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा बी की वैल्यू, यानी कि ए इनवर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स ही होता है, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स की। दिस इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल फॉर्म, ये मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया है, हम जब एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, देखो एक चीज समझ लो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कोई यहां पे जरूरी नहीं है कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अभी आप सीखो, एग्जाम में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ होता है, आप एलिमेंट्री रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो। अब मेन जो होता है ये फॉर्मेट होता है, ये पे ए इज इक्वल टू आई ए है, यहां पे आपको याद रखना है ए इज इक्वल टू ए आई। सिमिलरली अगेन ये ए को मैं डिडक्ट करके पूरा अलग से इसको मैं आई बना दूंगा, इसको मैं थोड़ा चेंज ला के इसको मैं आई बना दूंगा, तो इसके रिगार्डिंग मुझे यहां पे भी चेंज लेना पड़ेगा, तो ये आई ये बन जाएगा बी, ये आई जो ऑलरेडी आई लिखा हुआ है वो बन जाएगा बी, ये ए तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो मुझे फाइनली मुझे क्या मिल गया, ए इनवर्स इज आई, तो मुझे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो मुझे यहाँ पे इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल फॉर्म हुआ, तो अब नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 3.4, सो आपको इजीली समझ में आए एग्जांपल्स। सो नाउ दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.4। देखो एग्जांपल मैं सोल्व कैसे करता हूं आपको सिर्फ वही देखना है, और सारे एग्जांपल मैं सोल्व यहां नहीं कराऊंगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है, कुछ एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स के मैं 2-3 सोल्व कराऊंगा, देन आफ्टर आपको वो परफॉर्म कर लेने हैं, और एक एग्जांपल मैं 3x3 का भी कराऊंगा, सो यहां पे देखते रहिए। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करो, कोई यहां पे वो नहीं है हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं यहां यूज करता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ए इज इक्वल टू आई ए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ए मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, -1, 3, ठीक है। आई क्या होता है, यू नो दैट 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये आई होता है, और ए अपनी जगह ऐसा ही रहेगा। अब आपको पता है कि इसको मुझे आई बनाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तो जीरो होना चाहिए ना, ये 2-0 होना चाहिए, इसको जीरो बनाए कैसे, ये यहां पे सोचना है। ओके सो अब एक आइडिया लेते हैं, इसको जीरो में इसकी मदद से बनाऊंगा, फर्स्ट एलिमेंट की मदद से इसको मैं जीरो बनाऊंगा। देखो मैं चेंज कर किस में कर रहा हूं, सेकेंड रो में, तो R2 में मैं चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो R2 में से मैं 2R1 निकाल दे रहा हूं। अभी देखो ये क्या लॉजिक क्या है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करो के इसमें माइनस कर दूंगा, तो यस ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2, एंड 2 - 2 इट विल बिकम 0। आप चेंज R2 में कर रहे हो तो यहां पे R2 लिखो, यहां पे R2 लिखो, ठीक है। अब मैट्रिक्स लिखते कैसे, पहले बॉक्स बना लो कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 को बाद में लिखो, पहले R1 सब के सब कंप्लीट कर दो, क्योंकि यहां चेंज कर रहे हो तो यहां भी चेंज करना पड़ता है। अब देखो यार सिंपल है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2, और -2 को इसमें से मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा 5, समझ रहे हो, 3+2 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं तो दिस इज -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहां पे आंसर मिलेगा 1, ठीक है। सो अब नेक्स्ट 1, 0, 0, 1, इसको 0 कैसे बनाओगे, इसको 0 कैसे बनाओगे तो वो तो नहीं पता, पर इसको 1 बना सकते हैं, कैसे, सिंपल है, इसको यार 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, कैसे, तो देखो चेंज किस में कर रहे हो, अगेन R2 में, क्या चेंज कर रहे हो, तो R2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/5 से, ठीक है, तो चलो कर देते हैं, चेंज R2 में कर रहे हो तो R2 वाली रो अभी नहीं लिखो, सबको 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0, ये हो जाता है 1, इसको 1/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ना ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुके हैं हम आइडेंटिटी के, 1, 0, 0, 1, मुझे यहां 0 लेना है यार, कैसे लूं मैं 0, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 1 + -1, देखो आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो यार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, यहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे तो भी वही चीज होती है,
तो सिंपल मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मुझे यहां जीरो लेना है, मतलब चेंज मुझे करना है रो वन में, तो रो वन में मुझे चेंज करना है तो मैं रो वन प्लस रो टू कर देता हूं, दोनों रो को मैंने ऐड कर दिया। चेंज रो वन में लेना है तो पहले रो टू लिख दूंगा कि मुझे बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। चलो इन दोनों को ऐड करूंगा तो वन ही आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो वन माइनस टू बाय फाइव होने वाला है। फाइव वन जा फाइव, फाइव माइनस टू, फाइव वन जा फाइव, फाइव माइनस टू थ्री बाय फाइव, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां आएगा वन बाय फाइव, ठीक है कि नहीं। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास मिल गया। ये जो मैट्रिक्स मिला थ्री बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव और वन बाय फाइव, और यहां ए, ए यहां पे आएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल गई। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, आप देख रहे हो। तो इस तरह से आपको आंसर्स लेने हैं। ओके ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एग्जाम्पल टू। अब मैं थोड़ी स्पीड यहां बढ़ा देता हूं आपकी। सो चीजें तो वही है, ठीक है। अगेन मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसको सोल्व कर रहा हूं, तो होता है ए इज इक्वल टू आई ए, ए हमारे पास है, अवेलेबल है, मैं सपोज ही कर लेता हूं इसको ए इज इक्वल टू आई, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहां पे रहता है ए। अब मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है। ओके, यहां पे सबसे पहले वन जीरो जीरो वन होना चाहिए, तो वन जीरो यहां पे जीरो होना जरूरी है। पहले तो इसको वन कैसे बनाए, इसको वन कैसे बनाए, तो क्या सिंपल है, वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको, रो वन को वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो वन को मैं वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां वन हो जाएगा। तो चेंज किस में कर रहा हूं, रो वन में, तो रो वन बाद में लिखेंगे। इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वन हो जाएगा, इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन बाय टू हो जाएगा, इट विल बिकम वन बाय टू एंड दिस इज जीरो, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू दिस चेंज कर दिया, अगेन मुझे यहां जीरो लेना है, कैसे करूं, इसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा, यस। रो टू में मैं चेंज कर रहा हूं क्या, तो मैं रो टू में से मैं अगर रो वन को माइनस कर दूं, रो टू में से मैं रो वन को माइनस कर दूं तो हो जाएगा ना, हो जाएगा यहां पे जीरो। चलो करते हैं, अगेन चेंज किस में कर रहा हूं, रो टू में, तो रो टू बाद में लिखूंगा, पहले रो वन लिख दूंगा यहां पे। चलो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन बाय टू होता है वन बाय टू, जीरो माइनस वन बाय टू होता है माइनस वन बाय टू, और वन माइनस जीरो होता है वन। लोअर एलिमेंट में से अपर एलिमेंट माइनस करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना। वन जीरो जीरो, यहां मुझे जीरो लेना है, यहां मुझे जीरो लेना है, कैसे करूं, अगेन रो वन में से रो टू माइनस कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। देखो लॉजिक अपने आप ही लगाने होते हैं, रो वन में से रो टू माइनस कर दूंगा क्योंकि सेम एलिमेंट ही तो है, तो अगेन मैं रो वन में चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, रो वन में से रो टू में को माइनस कर दूंगा तो यहां मुझे जीरो मिल जाएगा। चलो डू इट अगेन, चेंज किस में कर रहे हो उसको बाद में लिखो, रो वन में चेंज कर रहे हो तो रो वन को बाद में लिखो, रो टू को पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब वन माइनस जीरो वन, वन बाय टू माइनस वन बाय टू जीरो, वन बाय टू प्लस वन बाय टू तो ये होता है वन, और जीरो माइनस वन ये होता है माइनस वन, ठीक है। चलो यहां तक हम पहुंच गए, वन जीरो जीरो, अब मुझे इसको वन बनाना है। हाउ कैन आई मेक, मुझे इसको वन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, तो कैसे वन बनाएंगे, देखो ये वन बाय टू है, वन बाय टू को मुझे वन बनाना है तो मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहां वन मिल जाएगा। ओके, तो सबको टू से मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले को, मतलब आर टू को मैं चेंज कर रहा हूं टू आर टू, मतलब सारी की सारी रो को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चेंज आर टू में कर रहा हूं तो बाद में लिखेंगे आर टू को, वन जीरो वन माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, इसको टू से करोगे तो वन आ जाएगा, इसको टू से करोगे तो माइनस वन आएगा, और टू वन जा टू, अल्टीमेटली दिस इज योर आई, दिस इज योर, ये आपको नया मैट्रिक्स मिलता है, तो इसको इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे अगर हम बी नाम दे देते हैं तो ऐसा हो जाता है, ए ए यहां पे जाएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स ये बी की आपकी वैल्यू आपको मिल जाती है, वन माइनस वन माइनस वन टू, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इट्स वेरी इजी। सो नाउ दिस इज अवर फिफ्थ एग्जाम्पल, आगे के जितने भी एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम है, आप सोल्व कर सकते हो, एक्चुअली ये भी सेम टू सेम है, पर तो भी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए, आई एम अप्लाइंग हियर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, टू सेवन वन फोर इज इक्वल टू आई
1100 और a। अब इस मैट्रिक्स को हमें i बनाना है, i बनाने के लिए इसको 1 होना जरूरी है, 2 को 1 बनाना है मुझे। यार सिंपल यहां समझो ना, मुझे 2 से किसके मल्टीप्लाई करूं तो मैं 1 बन जाएगा, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब सबको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो यस, आर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से, ठीक है। चलो चेंज कर रहे हो आर 1 में, तो आर 1 को बाद में लिखो। ओके, 1/2 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये होगा 0। 1 मुझे मिल गया, ओके 1001, मुझे इसको 0 बनाना है। इसको मुझे 0 बनाना है तो किस तरह से बनाऊं? तो यार एक सिंपल सी चीज है, देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 7, और इसमें से माइनस करोगे तो 7 - 7 = 0। ठीक है, चेंज कर रहे हैं आर 2 में, क्या चेंज कर रहे हैं? तो आर 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करके, देखो आर 2 में से मैं 7 आर 1 को माइनस कर देता हूं। क्या है देखो, आर 2 देख लो ना एक बार, 7 - 7 आर 1 का एलिमेंट 1 है, हो गया 0, हो गया कि नहीं? तो इस हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, और ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। बॉक्स मैंने बना लिए, ओके। अब चेंज आर 2 में करना है तो आर 2 को बाद में लिखूंगा मैं, ओके। यहां पे तो आएगा 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो इट विल बिकम 7/2। देखो ध्यान से समझना, यहां पे आर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, और 4 में से 7/2 अगर निकलता है, 4 2 8 - 7 यानी कि यहां पे होगा 1/2, ठीक है। अब इसको अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7/2। देखो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 7/2, 0 में से 7/2 जाता है तो बचता है -7/2, और इसको तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आएगी 1001। मुझे यहां 0 लेना है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक हियर 0। हाउ कैन आई मेक, कैसे बनाऊंगा मैं? सिंपल यार, रो वन में से रो 2 माइनस कर दो, है कि नहीं? तो चलो करते हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? रो 1 में क्या चेंज कर रहे हैं? तो रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, ओके। तो रो 1 को बाद में लिखेंगे, ओके। रो 1 माइनस रो 2, 1 - 0 = 1, दिस इज 0। 1/2 में से 7/2 को मैं निकालूं तो होता है 8/2 यानी कि 4, और 0 - 1 ये होता है -1। अब मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा, तो मतलब ये सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो 2 को चेंज करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगेन चेंज इन रो 2, तो रो 2 आपको बाद में लिखना है। 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो -7 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा। तो सिंपली ए इनवर्स का आपका आंसर आपको यही मिल जाता है, दिस इज योर आंसर 4 - 1 - 7 = 2, ठीक है, दैट्स इट। सो नाउ दिस इज 3x3 मैट्रिक्स आप देख रहे हो, दिस इज योर 15th एग्जाम्पल, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर 3x3 का। देखो यार 3x3 मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा होता है, ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, तो इसको आइडेंटिटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। बस अगर आपको ऑपरेशन आते हैं, आपको रूल्स मालूम है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो लेट्स डू इट। सो नाउ यहां पे हमें ए लिखना है, यानी कि 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2, ओके। यहां पे हम आई लिखेंगे, यानी कि 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1। नाउ ए, मुझे इसको आई बनाना है। आप देख रहे हो बहुत सारा डिफरेंस है यहां पे, बहुत सारा, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो सारे एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट को, इसको 1 बनाना है सबसे पहले। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब आपको पता है कि ये कैसे होता है, रो 1 में चेंज कर रहा हूं तो रो 1 नहीं लिखूंगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ये होगा -3/2, ये होगा 3/2, ये होगा 1/2, ये होगा 0 और 0, ठीक है। 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया, ओके। अब मुझे इसको 0 बनाना है, इसको मुझे 0 बनाना है, तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा मैं। रो 2 में चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं,
तो रो टू माइनस टू आर वन लिख रहा हूं, मतलब रो टू में चेंज करके रो वन को टू से मल्टीप्लाई करके रो टू में से माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है कि नहीं? तो कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको टू से मल्टीप्लाई, ओके ओके, पहले यहां पे लिख देते हैं, सिर्फ रो टू नहीं लिखेंगे क्योंकि चेंज उसी में करना है, ठीक है चलो, आई एम सॉरी, इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस जीरो, इसको टू से मल्टीप्लाई करने से आता है माइनस थ्री, माइनस थ्री को इसमें से मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा फाइव, क्यों? क्योंकि टू माइनस माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा थ्री, और थ्री माइनस थ्री ये हो जाएगा जीरो, समझ रहे हो? इट्स वेरी इजी, इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन आएगा और जीरो माइनस वन हो जाएगा माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऊपर जीरो है, तो एलिमेंट्स एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको जीरो बनाना है, अजय अब मुझे इसको जीरो बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो हो जाएगा जीरो, ओके कि नहीं? इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो मतलब चेंज आर थ्री में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आर थ्री माइनस थ्री आर वन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो चलो यहां पे बना दे मैट्रिक्स, ओके ठीक है चलो, अब इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री होगा, थ्री माइनस थ्री यहां हो जाएगा जीरो, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करने से होगा माइनस नाइन बाय टू, देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से समझो, यहां हम थोड़ी साइड कैलकुलेशन करते हैं, इसको थ्री से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस नाइन बाय टू, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करना है तो यहां पे हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, यहां पे हो जाएगा प्लस, टू टू जा फोर, नाइन माइनस फोर होता है फाइव बाय टू, तो मुझे यहां पे आंसर मिलेगा फाइव बाय टू, इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ये हो जाएगा नाइन बाय टू, और टू में से नाइन बाय टू को मैं माइनस करूंगा तो टू टू जा फोर, और फोर माइनस नाइन होगा माइनस फाइव बाय टू, अगेन इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा थ्री बाय टू, हो रहा है? इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री बाय टू, और जीरो माइनस थ्री बाय टू होता है माइनस थ्री बाय टू, और अब इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि ये दोनों तो जीरो है, तो यहां पे जीरो और वन हो जाएगा। सुनाओ, अब मुझे यहां पे मुझे जीरो चाहिए, वन जीरो जीरो जीरो, यहां पे मुझे जीरो चाहिए, जीरो करने के लिए क्या करोगे यार, इसमें जीरो करने के लिए क्या करोगे? अगर मैं इसमें थ्री बाय टू एड कर दूं तो, अगर मैं इसमें थ्री बाय टू एड कर दूं तो जीरो हो सकता है, यस और नो? यस। सो आर वन में मैं थ्री बाय टू को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, तो कर देते हैं चलो। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरी तरह से मैंने ऑपरेशंस क्रिएट किए हैं, जीरो फाइव जीरो, जीरो फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू, अगेन माइनस वन वन जीरो, माइनस थ्री बाय टू जीरो और वन, ठीक है। अब इसमें मैं वन में मैं थ्री बाय टू ऐड करूंगा, वन में मैं थ्री बाय टू ऐड करूंगा तो टू वन टू प्लस थ्री फाइव बाय टू, ओके। सो यहां पे आपको यहां पे प्रॉब्लम आ गई, देखो यहां पे आपको प्रॉब्लम आ गई है, तो आप ये ऑपरेशन नहीं ले सकते, आप ये ऑपरेशन नहीं ले सकते, आप समझ रहे हो? क्योंकि अब यहां चेंज करोगे तो वापस यहां चेंज हो जाने वाला है, तो आपको प्रॉब्लम ही रहने वाली है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास क्रिएट होती है कि मैं यहां पे कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करता हूं मैं, इसको पहले इसको जीरो नहीं करता हूं मैं, इसको पहले वन कर देता हूं। देखो सब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपको वन जीरो 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 वन, इस जीरो को छोड़ के इसको वन पहले बना देना है। अब ये वन बनता कैसे है? इसको वन बाय फाइव से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये वन बन जाता है, ठीक है? तो लेट्स डू इट। सो मैंने यहां पर क्या किया, आर टू को मैंने वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आर टू को हम वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस यहां पर जो मिडिल जो एलिमेंट था वो वन आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हम देखें, ठीक है, जीरो को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता है, जीरो ही होता है, यहां हो जाएगा वन, अगेन ये जीरो को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करने से जीरो ही होता है, माइनस वन को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये तो प्रॉब्लम है, माइनस वन को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव, वन को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा वन बाय फाइव एंड इट विल बिकम जीरो। सो आपने यहां पे देखा कि क्या हुआ, वन जीरो 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 वन जीरो। अब मुझे इसको जीरो बनाना है,
तो अब तो ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं ऐड कर दूं, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो वो एकदम इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, चेंज तो आर वन में करना है। क्या करेंगे तो हम आर वन में से 3/2 आर टू का निकालेंगे। आर टू को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके आर वन में से निकाल देता हूं, ठीक है। तो हो जाएगा चेंज आर वन में करेंगे तो आर वन नहीं लिखेंगे, 0 1 0 0 5/2 -5/2 -1/5 1/5 0 sorry about marker -3/2 0 and 1। ठीक है चलो, करना क्या है इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो R1 तो सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे मेंटेन रहा 0, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें करूंगा तो ये 3/2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब नाउ दिस इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या, देखते हैं। चलो मेरे पास है -1/5, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और माइनस किस में से कर रहा हूं, आर वन में से मैं इसको कर दे रहा हूं माइनस, मतलब आर वन ये है, ओके 1/2 प्लस 3 1 3 5 2 10। सुना इसका मतलब क्या होता है, ओके सो यहां पे देखो हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक है देखो, सो यहां पे देखो अगर इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा -3/2 -3/2 दोनों हो जाएंगे। अगर मुझे इनको जीरो करना है तो मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो सिंपली इसको माइनस, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा तभी यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो आर वन में मुझे सिंपली यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो आर वन प्लस 3/2 आर टू करेंगे तभी यहाँ पे जीरो होगा। अब ठीक है, अब ये -1/5 है, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसमें हम इसको करेंगे एड, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। अब यह एलसीएम ले तो यहां पे होता है 5 -3/10 तो होगा 2/10 तो होता है 1/5, तो यहां पे आएगा हमारा 1/5। अब इसको अगेन 1/5 को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, और ऐड किस में करना है, जीरो में ऐड कर देना है, तो 3 1 3 5 2 10 तो यहां पे आएगा 3/10। इसको कितना भी मल्टीप्लाई करो ये तो होता है जीरो ही होता है, ठीक है। अब मुझे यहां पे जीरो करना है, 1 0 0 0 1 0 मुझे यहां जीरो करना है। देखो वन आ गया ना तो कुछ भी कर सकते हो, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा। चेंज आर थ्री में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो आर थ्री माइनस 5/2 आर टू कर रहे हैं, आर टू को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं के आर थ्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने सही लिखा है, ठीक है, R3 में चेंज कर रहे हैं तो R3 को बाद में लिखेंगे, सॉरी यहां पे 1 है, ओके चलो। सो नाउ डू इट, क्या करेंगे R2 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ नहीं होने वाला है, जीरो ही आएगा। इसको मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो। इसको 5/2 से करने के कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जीरो है, यहाँ पे एलिमेंट एसिटी से रहेगा, ओके। अब यहां देखें, इसको मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है -1/5 मेरे पास है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/2 से, ठीक है, और -3/2 में से उसको मैं माइनस कर रहा हूं, तो -3/2 माइनस माइनस प्लस 5 1 5 5 2 10, ये 2 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 + 5/10 तो ये होता है -10/10, तो आपका आंसर आएगा अल्टीमेटली -1, ठीक है। अब यहां पे इसको मैं 1/5 को, अगेन 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5/2 से, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/2 से और 0 में से माइनस कर रहा हूं तो क्या आएगा 5/10 आएगा, तो क्या आएगा 5/10 आएगा माइनस में, तो इसका आंसर आएगा -1/2 और ये 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहां पे आता है 1। अब थोड़ा ये है, ठीक है। अब मुझे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां 0 है यहां 0 है, यहां मुझे 1 बनाना है, पहले 1 बनाओ,
मेरी मानो तो पहले वन बनाओ तो इजी रहता है। क्या R3 इसको मैं वन कैसे बनाऊं, तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करके माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करके इसको हम वन बना सकते हैं। तो चलो बना दे, तो R3 को माइनस टू बाय फाइव आर थ्री करें तो ये वन हो, तो पूरे के पूरे R3 को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस टू बाय फाइव से, ठीक है। तो ये तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ये जीरो जीरो, इसको यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा वन, माइनस टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको माइनस टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा टू बाय फाइव। अब माइनस वन बाय टू है, इसको माइनस टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूं तो टू टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यहां पे आएगा वन बाय फाइव, इसको माइनस टू बाय फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो रहेगा माइनस टू बाय फाइव। नाउ द लास्ट स्टेप, मुझे यहां पे जीरो क्रिएट करना है, इसको थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, इसको थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा ना, है ना कि नहीं। तो R1 में चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो R1 में से 3 बाय टू आर थ्री निकाल रहे हो, R3 को 3 बाय टू से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दे रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो चेंज R1 में हो रहा है तो R1 लिखेंगे नहीं, बाकी के एलिमेंट्स लिख देते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो सुनाओ देखें, अब इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, ये तो वही एलिमेंट आने वाले हैं, इसको मैं थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करके इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो नाउ आई गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर हियर। अब कुछ कैलकुलेशन है मुंह में, मैं उसको थ्री बाय टू से इससे मल्टीप्लाई करके, इसको मैं थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई करके मैं वन बाय फाइव, ये यहां पर वन बाय फाइव में से मैं मुझे माइनस करना है। तो क्या है देखो, मेरे पास टू बाय फाइव है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं थ्री बाय टू से और निकालूंगा किस में से, वन बाय फाइव में से, तो आता क्या है, ओके टू टू कट, थ्री बाय फाइव, वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू बाय फाइव। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन से आप कर सकते हो, वन बाय फाइव को अगेन आई एम डूइंग हियर, वन बाय फाइव यहां पे है, उसको मैं थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अपर एलिमेंट यानी कि थ्री बाय टेन में से उसको मैं माइनस कर रहा हूं, तो 3 बाय टेन माइनस थ्री वन जा थ्री, फाइव टू जा टेन, देख रहे हो ये तो कैंसिल हो गया तो यहां पे आता है जीरो। सुनाओ अब ये है माइनस टू बाय फाइव, ये रहा माइनस टू बाय फाइव, हम यहां पे करते हैं माइनस टू बाय फाइव को मैं 3 बाय टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और माइनस किस में से करूंगा, जीरो में से, देख रहे हो माइनस करेंगे हम जीरो में से, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाता है, टू टू कट, थ्री बाय फाइव हमारे यहां पे रहेगा, रहेगा कि नहीं, तो यहां पे रहेगा हमारा थ्री बाय फाइव। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया, तो यही मेरा इनवर्स है, ये मेरा इनवर्स है, आप आंसर चेक कर लो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स है, आप देखा ये एग्जांपल आप बहुत बड़ा हुआ, तो थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स के एग्जांपल्स बहुत बड़े होते हैं, आई थिंक यहाँ पे टोटल एट टू नाइन स्टेप्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो शायद एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आपने परफॉर्म किया होगा। अब लास्ट में एक ऑप्शनल चीज दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि ए बी इनवर्स क्या होता है, तो यू नो दैट दिस इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। तो अभी आप कर लोगे, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।